Hello students, today I will explain class 2nd English literature book lesson 7. It is second video. Okay, so listen carefully. आप लोग यही लेसन पढ़ रहे थे, लेसन 7 गुड नेबर्स. पहली वीडियो में आप लोगों को हेल्पफुल, यहां तक के मैं जो आपको एक्सप्लेन बता दिया था. और अब हम चलेंगे नितिन से, यानी उसके आगे. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. देखिए अब नितिन क्या कहता है. वेयर डू यू लिव राहुल. राहुल तुम कहां रहते हो. फिर देखिए राहुल क्या उत्तर देता है. आई लिव एट 261 शिवाजी कॉलोनी इन द कंटेनमेंट. मैं शिवाजी यानी छावनी, कंटेनमेंट होता है छावनी, ठीक है. मैं छावनी में शिवाजी कॉलोनी में, ठीक है, यानी 261 में रहता हूँ. 261 क्या है, ये नंबर है उस कॉलोनी के, ठीक है, मैं रहता हूँ. वी हैव ए ह्यूज ओपन ग्राउंड, ठीक है, हमारे पास एक विशाल बड़ा खुला मैदान है. हमारे पास एक विशाल या बड़ा खुला मैदान है. विथ मेनी ग्रीन ट्रीज, बहुत से हरे पौधे. एंड ए स्मॉल मार्केट नियर बाई, बहुत से हरे पौधे और छोटी बाजार भी मेरे आसपास हैं. ओके, तो आप कह सकते हो कि हमारे पास बहुत ही बड़ा मैदान, बहुत से छोटे छोटे पौधे, हरे पौधे और छोटी दुकानें भी हैं, नियर बाय नजदीक हैं. ओके, आगे देखिए. वी आल्सो हैव ए मिलिट्री हॉस्पिटल, ठीक है, एंड ए स्कूल इन आवर नेबरहुड. हमारे पास मिलिट्री हॉस्पिटल भी है एंड ए स्कूल, और एक स्कूल है इन आवर नेबरहुड, हमारे पड़ोस में, ठीक है. हमारे पड़ोस में एक मिलिट्री हॉस्पिटल और एक स्कूल भी है. ओके, आगे देखिए. नितिन कहते हैं अब, वाव इट्स वेरी नाइस, यह बहुत ही अच्छा है. राहुल वुड यू प्लीज टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो अबाउट योर नेबर्स, अपने पड़ोसियों के बारे में, ठीक है. राहुल क्या तुम मुझे अपने पड़ोसियों के बारे में बता सकते हो. अब राहुल देखिए क्या कहते हैं. राहुल एडवोकेट सुबोध SDO मिस्टर शर्मा एंड मेजर विकास लिव नियर माय हाउस. यानी वकील सुबोध और SDO मिस्टर शर्मा और मेजर विकास भी, ठीक है, या मेजर विकास लिव नियर माय हाउस, हमारे नजदीक के घर में रहते हैं, ठीक है, या हमारे पास के घर में रहते हैं. आगे देखिए फिर क्या है. नील इज माय गुड फ्रेंड, नील मेरा एक अच्छा मित्र है. ही इज मिस्टर शर्मा सन, वह मिस्टर शर्मा का पुत्र है. हीज ग्रैंड पेरेंट्स आल्सो लिव विथ हिम, ठीक है, उसके दादा दादी आल्सो लिव विथ हिम, उसके साथ रहते हैं. आप कह सकते हैं उसके दादा दादी भी उसके साथ रहते हैं. ही टोल्ड अस वेरी नाइस स्टोरीज, वह हमें बहुत ही सुंदर कहानियां बताते हैं या सुनाते हैं. वह हमें बहुत ही सुंदर कहानियां सुनाते हैं. आई इंजॉय टॉकिंग टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक, यानी मैं उनके दादा दादी से बात कर इंजॉय करता हूँ. ओके, मैं उनके दादा दादी से बात कर इंजॉय करता हूँ. आगे देखिए नितिन, यानी नितिन बोलते हैं, क्या बोलता है नितिन. डू यू प्ले विथ ऑल द फोर फ्रेंड्स, क्या तुम, डू यू प्ले क्या तुम विथ ऑल द फोर फ्रेंड्स, क्या तुम चार मित्रों के साथ खेलते हो. क्या तुम चार मित्रों के साथ खेलते हो, यानी चार मित्र हैं तुम्हारे पास, इन्हीं के साथ खेलते हो. अब राहुल क्या बोलते हैं. यस, यानी हाँ. देयर आर वेरी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल ऑल ऑफ
us are like a big family. यस यानी हाँ, देयर आर वेरी फ्रेंडली, हमारे यहाँ बहुत ही मित्रता है, एंड हेल्पफुल और सहायक है, ठीक ने? दे आर वेरी फ्रेंडली, वे बहुत ही मित्रता और हेल्पफुल और सहायक हैं, यानी आप कह सकते हैं वे हमारे बहुत ही मित्र और सहायक हैं. ऑल ऑफ अस आर लाइक ए बिग फैमिली, सभी लोग हमें ए बिग फैमिली यानी सभी लोग, या ऑल ऑफ अस लाइक यानी सभी लोग पसंद करते हैं ए बिग फैमिली, एक बड़े परिवार को. आप कह सकते हैं सभी लोग इस बड़े परिवार को क्या करते हैं, या इस बड़े परिवार में मुझे पसंद करते हैं. आगे देखिए, देखिए अब नितिन जी कहते हैं, वी आर वेरी लकी, हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं. वी हैव सच गुड नेबर्स, ठीक है, हमारे पास अच्छे पड़ोसी हैं, हमारे पास बहुत ही अच्छे पड़ोसी हैं. राहुल बोलते हैं, यस हाँ, यू आर राइट, तुम ठीक हो या तुम सही हो. वी आर लकी, हम भाग्यशाली हैं. गुड नेबर्स आर ए ब्लेसिंग, ठीक है, अच्छे पड़ोसियों का हमारे ऊपर क्या है, आशीर्वाद है. ओके, तो स्टूडेंट्स ये रही आप लोगों की कहानी, ये कहानी अब खत्म होती है, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेसन बताऊंगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, और जहां आपको प्रॉब्लम हो उस वीडियो को पास करके लर्न कर लीजिएगा. स्टे होम स्टे सेफ.